हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम सीएसआईआर नेट दिसंबर 2017 के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे इस लेक्चर में अपना लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल 10 क्वेश्चन आपके आए थे। शायद इसी ईयर में आपके सबसे कम क्वेश्चन थे, नहीं तो आपकी 14 या 15 की एवरेज रहती है। पार्ट बी में आपके 4 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में आपके 6 क्वेश्चन थे। अब जो आपके टोटल 10 क्वेश्चन आए थे वो किस किस टॉपिक पे बेस थे, तो देखिए बेस ऑन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको गिवन थी तो उसी पे बेस आपको रैंक पूछ लेंगे या फिर डिटरमिनेंट पूछ लेंगे, आइगन वैल्यूज पूछ लेंगे। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आपका हमेशा एक क्वेश्चन पक्का रहता है, एक या दो तो। ठीक है, उसके बाद है बाइलिनियर मैप एंड दी नेक्स्ट इज कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस बेस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज डायगोनलाइजेबल एंड द नेक्स्ट वन इज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एंड द लास्ट वन इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। ओके, तो ये टॉपिक्स आपके रहे हैं जो कि आए थे। टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना तो आप क्वेश्चंस भी अपने आप ही हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब तक अपने कौन कौन से हो चुके हैं, 2023 के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 2022 भी आपका हो चुका है, 2020 भी आपका हो चुका है एंड 2019 हो चुका है, 2018 आपका हो चुका है। ये आपकी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर लेना। अभी अपना लीनियर अलजेब्रा चला हुआ है, उसके बाद हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, और हाँ अपना जो टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ, इसको भी ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आयोटा ए, ये है आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ओके, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और जो कैसी है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स है क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी आपको क्या गिवन है, आई प्लस आयोटा ए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, बी आपके पास क्या है, आई प्लस आयोटा ए, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल इन बी। ओके, सॉरी पॉलिनोमियल इन ए, पॉलिनोमियल इन ए, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल इन ए। ठीक है, तो यहाँ से पी ऑफ एक्स अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है, दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल इन ए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि बी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल। इसने क्या कहा कि अगर बी इन्वर्टिबल है तो ए भी आपकी इन्वर्टिबल होगी, अगर अगर ए इन्वर्टिबल है तो बी भी आपकी इन्वर्टिबल होगी। यहाँ पे देखिए इसने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन अप्लाई की है, तो कन्वर्स भी यहाँ पे ट्रू है, इसने ये कहा है। ठीक है, मैट्रिक्स आपके पास किस टाइप की है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी क्या है आपके पास, आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट के लिए अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ, इफ़ यू टेक ए जीरो मैट्रिक्स, ओके इफ़ यू टेक ए जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है क्या ये इन्वर्टिबल है, क्या ये इन्वर्टिबल है, नॉट इन्वर्टिबल। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो, और अगर मैं यहाँ पे बी निकाल लूँ तो बी क्या आएगा, आइडेंटिटी प्लस आयोटा जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या आ गई, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज इन्वर्टिबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो नॉट इन्वर्टिबल बट बी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, तो यहाँ से फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपकी वो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड देखिए क्या है, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरली रियल। इसने कहा कि जो बी आपके पास मैट्रिक्स है उसकी ऑल आइगन वैल्यूज क्या रहेंगी, रियल। तो क्या ये ट्रू होगा, क्या ट्रू होगा, सेकंड के लिए लेट लैम्डा ए आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ओके, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली कि जो लैम्डा ए है क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज आयोटा इंटू लैम्डा ए इज एन आइगन वैल्यू ऑफ
आयोटा ए, ओके। तो यहाँ से अगर मैं बी की आइगन वैल्यूज़ की बात करूँ तो किस टाइप की होंगी, बी की आइगन वैल्यूज किस टाइप की होंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ बी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ये ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ बी है वो हमेशा क्या रहेंगी, रियल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए है कि अगर वो नॉन जीरो है, ठीक है, अगर वो नॉन जीरो हुई तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी क्या रहेंगी, हमेशा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, रियल आइगन वैल्यूज कब हो सकती हैं, अगर आपकी ए की आइगन वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ठीक है, अदरवाइज ये क्या रहेंगी, हमेशा कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या है, बी माइनस आई इज नेसेसरली इन्वर्टिबल, बी माइनस आई इज नेसेसरली इन्वर्टिबल। तो थर्ड के लिए देखिए बी माइनस आई क्या होगा, बी माइनस आई इज इक्वल टू आयोटा ए। अगर मैं यहाँ पे ए को जीरो मैट्रिक्स कंसीडर करूँ, ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, देन बी माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए को जीरो मैट्रिक्स कंसीडर करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, बी माइनस आई क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, बट जीरो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या है, बी इज नेसेसरली इन्वर्टिबल, बी हमेशा क्या रहेगी, इन्वर्टिबल। क्या ये सही है, बी आपके पास क्या है, बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस आयोटा ए, ठीक है। वी नो दैट आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज रियल, ठीक है, आइगन वैल्यू जो ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। अब अगर मैंने मान लिया यहाँ पे कि जो ए की आइगन वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे कंसीडर की कि लैम्डा ए है, ठीक है, तो उसके जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी है उसकी आइगन वैल्यूज क्या रहेंगी, हमेशा वन। तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा लैम्डा ए ये आइगन वैल्यूज रहेंगी। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए है अगर वो जीरो भी हो गई तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है इसकी आइगन वैल्यूज तो रहेंगी वन, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टिबल। क्योंकि यहाँ पे बी की जो आइगन वैल्यू होंगी वो कभी भी आपकी जीरो नहीं आएगी, ठीक है, कभी भी आपकी जीरो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू जो फे है उसकी मल्टीप्लाई है आयोटा के साथ, तो ये कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आइगन वैल्यू जो फे जीरो हो भी गई तो यहाँ पे आइगन वैल्यू जो आइडेंटिटी तो है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टिबल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू स्क्वेयर मैट्रिक्स विद एंट्रीज 0, 1, -1 and 1, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है कि जब मैं ए रेज टू द पावर एन करूँ तो क्या आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है 0, 1, -1 and 1। जब मैं यहाँ पे ए स्क्वेयर करूँगी तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर करूँगी तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ए स्क्वेयर करने पे आपके पास आया -1, 1, -1 and 0 विच इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर मैं यहाँ पे ए क्यूब करूँ तो ए क्यूब देखिए 0, 1, -1, 1 and ए स्क्वेयर आपके पास क्या है, -1, 1, -1, 0। तो यहाँ से आपके पास आया -1, 0, 0 and -1। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पे जाकर के आपका आइडेंटिटी आएगा। अगर मैं यहाँ पे ए सिक्स करूँ तो ए सिक्स करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है, चाहे आप करके देख लेना। यहाँ पे देखिए जब आप ए फोर करोगे तो आपका आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा, लेकिन जब आप ए सिक्स करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए थ्री आपके पास क्या आया, -1, 0, 0, -1, ठीक है, और जब आप ए सिक्स करोगे तो आपके पास क्या बनेगी, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 6। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए 3x3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज 1, -1, 1, 1, 1, 2, 3 एंड अल्फा।
एंड बी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है आपके पास 3x1 की, ठीक है, जो एंट्रीज हैं 1, 3, बीटा, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इज इक्वल टू बी ओवर द रियल नंबर्स हैज़, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि अल्फा और बीटा की किस वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी यहाँ पे क्या बनेगी, और उससे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए सॉल्यूशन, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, ओके। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, तो हम बोलेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी के पास एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब यूनिक होगा नहीं होगा उसके लिए अलग कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे निकालोगे इसको, जो ए एगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, ए एगमेंटेड बी क्या है, 1 -1 1 1 1 1 2 3 अल्फा एंड 1 3 बीटा, ओके। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी 3x4 ऑर्डर की, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब हम यूज करेंगे तो पहले हम R2 पे लगाते हैं, R2 -R1, जब R2 -R1 आप करोगे तो क्या आएगी मैट्रिक्स आपकी 1 -1 1 1, और यहाँ पे एंट्रीज बनेगी आपकी 0 2 0 2, ओके, एंड 2 3 अल्फा बीटा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज R3 -2 R1, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी क्या आएगी 1 -1 1 and 0 2 0 0 5 alpha -2 and 1 2 beta -2, ओके। एंड द सेकेंड रो को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर 2 आप कॉमन निकाल सकते, तो क्या बनेगी आपके पास मैट्रिक्स जो आएगी 1 -1 1 1 and 0 1 0 1 0 5 alpha -2 beta -2, एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज ऑन R3 -5 R2, तो क्या बनेगी आपके पास मैट्रिक्स 1 -1 1 and 0 1 0 0 0 alpha -2 and 1 1 and beta -7, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, देखो फर्स्ट ऑप्शन इज नो सॉल्यूशन व्हेन एवर बीटा नॉट इक्वल टू 7। इसने कहा कि जब आपका बीटा नॉट इक्वल टू 7 होगा, इसने क्या कहा यहाँ पे देखिए कि जब बीटा आपका, यहाँ पे क्या है, जब बीटा आपका नॉट इक्वल टू 7 होगा तो इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि बीटा नॉट इक्वल टू 7, जब हम बीटा नॉट इक्वल टू 7 करेंगे तो हो यहाँ पे रैंक कितना होगा। अगर मैंने यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू 7 कर दिया तो हम ये बोल सकते कि इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। मान लो कि बीटा नॉट इक्वल टू 7 है और अल्फा भी नॉट इक्वल टू 2 है, तो रैंक आपके पास क्या होगा, 3 होगा, विच इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, तो इसके पास तो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। एंड दी सेकंड क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2, जब आपके पास अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होगा, जब आपके पास अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होगा तो इसके पास क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है, तो इसके पास सॉल्यूशन होगा, ओके। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड दी सॉरी
थर्ड ऑप्शन इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए कि अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 2 है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे? हमें ये पता है कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी तो उसके पास एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हैज ए सॉल्यूशन। अब यूनिक होगा नहीं होगा ये कैसे पता करते हैं हम? व्हाट अबाउट द यूनिकनेस? तो यहाँ से देखिए आपके पास जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है? कंडीशन देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कि अगर आपके पास अल्फा नॉट इक्वल टू 2 है, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ओके। और रैंक 3 होते ही आपके पास जो नलिटी है वो क्या हो गई? रैंक नलिटी थ्योरम से 0। दिस इम्प्लाइज दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन। तो आप इससे भी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इस मेथड से भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 है, इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होंगे, ओनली यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स 1, 2, 4, 3 बिलोंग्स टू एम टू आर। एम टू आर यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विच एंट्रीज बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। एंड फाई आर टू इंटू आर टू आर बी द बाइलिनियर मैप, आपके पास एक बाइलिनियर मैप है, ओके, डिफाइंड बाय फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू। चूज करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कि कौन सी होगी, ठीक है। कैसे करोगे इसको? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई ऑफ डब्ल्यू वी, फाई ऑफ वी डब्ल्यू देखिए फाई ऑफ वी डब्ल्यू क्या है? वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू एंड फाई ऑफ डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ट्रांसपोज ए वी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर फाई ऑफ वी डब्ल्यू निकालूँ तो क्या आएगा? फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? वी वन वी टू एंड मैट्रिक्स आपके पास क्या है? 1, 2, 4 एंड 3, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वी वन प्लस 4v2, ओके, एंड दी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2v1 प्लस 3v2। यहाँ से w1 एंड w2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम w1 इंटू v1 प्लस 4v2 एंड प्लस w2 इंटू 2v1 प्लस 3v2। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? v1 w1 प्लस 4 w1 v2 प्लस 2 v1 w2 प्लस 3 v2
डब्लू टू। ओके, अब ऐसे ही आप क्या फाइंड आउट करोगे, फाई ऑफ डब्लू वी, फाई ऑफ डब्लू वी डब्लू ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू डब्लू ट्रांसपोज मीन्स डब्लू वन एंड डब्लू टू। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, वन टू फोर थ्री एंड व्हाट इज वी, वी वन वी टू। ओके, देन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डब्लू वन प्लस फोर डब्लू टू एंड द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम टू डब्लू वन प्लस थ्री डब्लू टू। ओके, एंड वी वन वी टू, अगेन सिंप्लीफाई, वी वन इंटू डब्लू वन प्लस फोर डब्लू टू एंड वी टू इंटू टू डब्लू वन प्लस थ्री डब्लू टू। मल्टीप्लाई करो, वी वन डब्लू वन प्लस फोर वी वन डब्लू टू प्लस टू वी टू डब्लू वन प्लस थ्री वी टू डब्लू टू। तो यहाँ से मैच कीजिए, क्या सेम है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इज वी वन डब्लू वन फोर डब्लू वन वी टू, यहाँ पे क्या है टू डब्लू वन वी टू, यहाँ पे देखिए इधर फोर डब्लू वन वी टू है और यहाँ पे क्या है टू डब्लू वन वी टू। दिस इम्प्लाइज फाइव ऑफ वी टू नॉट इक्वल टू फाइव ऑफ डब्लू वी। ओके, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर सच दैट फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर टू। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक टाइप से क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है। ठीक है, देखिए देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट फाई ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर टू, विच इज़ ए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। लेकिन आपको पता है कि जीरो वेक्टर इज़ दी ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू होल स्पेस। ठीक है, अगर हम होल स्पेस की बात करें, यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, फोर ऑल की बात की है, फोर ऑल आर टू है ना, फोर ऑल डब्लू बिलोंग्स टू आर टू, यानी कि होल स्पेस की ही बात यहाँ पे की गई है। लेकिन अगर हम जब भी हम होल स्पेस की बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी में, तो जीरो वैक्टर इज़ दी ओनली वैक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू होल स्पेस। ओके, तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। यहाँ पे इसने क्या कहा है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो, यहाँ पे इसने नॉन जीरो की बात की है, लेकिन ओनली जीरो वेक्टर ऐसा है जो कि क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखना भी चाहूँ तो रिजल्ट क्या है, देखिए जीरो वेक्टर is the only vector which is orthogonal to whole space। okay, तो इस concept से ये option आपका incorrect होगा। अब third option देखिए क्या है, there exist a 2x2 symmetric matrix B such that phi of VV is equal to V transpose BV for all V belongs to R2, for all V belongs to R2। यहाँ पे देखिए क्या कहा इसने, there exists a 2x2 symmetric matrix B such that phi of VV is equal to V transpose BV। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका ट्रू होगा। मैं यहाँ पे आपको फाइंड करके भी दिखाती हूँ कि बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होगी ऐसी। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, दी मैप साई डिफाइंड बाय साई, यहाँ पे एक मैप डिफाइन कर रखी है और कहा है कि क्या ये लीनियर है, ये आपकी लीनियर नहीं होगी। मैंने लीनियरिटी की कंडीशन आपको बताई भी है कि कैसे चेक करनी है, तो आप चेक कर लेना ये लीनियर नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। अब थर्ड देखिए कि बी मैट्रिक्स आपकी कैसी बनेगी। थर्ड में क्या है देखिए,
जो थर्ड मैट्रिक्स आपकी है, मैं यहाँ से एक पेज और ले लेती हूँ। थर्ड मैट्रिक्स है कि फाई ऑफ वी वी इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज बी वी। ओके, फाई ऑफ वी वी इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज बी वी, एंड वी नो दैट फाई हमें क्या गिवन है, वी ट्रांसपोज ए वी। अब ए क्या है मैट्रिक्स आपके पास, वी ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स इज 1 2 4 3 एंड वी। तो यहाँ से क्या आएगा, जब आप वी ट्रांसपोज करोगे, वी ट्रांसपोज वी 1 v 2 एंड मैट्रिक्स इज 1 2 4 3 और यहाँ से क्या आएगा वी 1 v 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको ओपन कीजिए, वी 1 + 4 v 2 एंड 2 v 1 + 3 v 2। ओके, वी 1 v 2, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी 1 × v 1 + 4 v 2। ठीक है, एंड यहाँ से क्या आएगा वी 2 2 v 1 + 3 v 2। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करोगे जब वी 1² + 4 v 1 v 2 एंड 2 v 1 v 2 + 3 v 2² तो यहाँ से उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो वी ट्रांसपोज बी वी, बी कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक कहा इसने, मैं वी ट्रांसपोज क्या होगा वी 1 v 2 एंड बी कोई भी एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए बी सी डी एंड वी 1 v 2। ओके, इसको ओपन कीजिए तो क्या बनेगी, ये ए वी 1 + c v 2 एंड बी वी 1 + d v 2। ठीक है, वी 1 v 2, यहाँ से क्या आएगा वी 1 × a v 1 + c v 2 + v 2 b v 1 + d v 2। ओपन कीजिए a v 1² + c v 1 v 2 + b v 1 v 2 + d v 2². ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, इधर देखिए a v 1 + b + c v 1 v 2 और यहाँ से + d v 2². ओके, तो जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे ये वी टू वी वन है, आप ऐसे ही कंपेयर कर लेना। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, बी वी टू वी वन। और यहाँ पे क्या आएगा 2 v 2 v 1। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, देखिए कोफिशियंट ऑफ वी 1² इधर का रह गया, सॉरी, कोफिशियंट ऑफ वी 1² हेयर 1 a = 1। ओके, एंड द कोफिशियंट ऑफ वी 1 v 2 c = 4, कोफिशियंट ऑफ वी 2 v 1 b = 2 एंड द कोफिशियंट ऑफ डी, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक,
वन सेकेंड. आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार आप कलेक्शन देख लेना. यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ही आई थिंक ट्रू होगा, इसको हम फिर से कर लेंगे. ठीक है, एक बार आप भी इसको देख लेना कि भी जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी सेम ही बन के आएगी इधर तो, लेकिन हमें देयर एग्जिस्ट ए 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी. यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें, देखिए इधर क्या है, ए वी वन स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी, मैं कॉमन ले लेती हूँ, वी वन वी टू प्लस डी वी टू स्क्वेयर. और यहाँ पे वी वन स्क्वेयर प्लस 6v1v2 एंड प्लस 3v2 स्क्वेयर. तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 3 एंड b प्लस c इज इक्वल टू 6. कोई नहीं, इसको हम देख लेंगे बाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स विद रैंक आर इफ़ द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी. आपके पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, ठीक है, विद रैंक इज इक्वल टू आर. द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ए सोल्यूशन फोर इज बी बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर एम. देन फर्स्ट ऑप्शन इज एम इज इक्वल टू आर एंड द सेकेंड ऑप्शन इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ आर रेज टू द पावर एम एंड द थर्ड ऑप्शन इज द नल स्पेस ऑफ ए इज ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ आर रेज टू द पावर एन व्हेन एवर एम इज इक्वल टू एन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एन. अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है, एंड द रैंक ऑफ ए आपके पास क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर. एंड इफ आई हैव एनी मैट्रिक्स देन वी कैन फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगी, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए एम क्रॉस एन टू आर एन टू आर एन. ठीक, अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी रोज होती हैं, रोज यहाँ पे कितनी हैं एम, ठीक है, उतने ही आपका कोडोमेन स्पेस की डायमेंशन होती है और जितनी भी आपकी कॉलम्स होती है उतनी ही आपकी डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होती है. ठीक है, याद रखना जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हो तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही आपकी डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस होगी और जितनी भी आपकी कॉलम्स होगे उतनी ही आपकी डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस होगी. ठीक है, तो रेंज स्पेस इज ऑलवेज ए सब स्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस.
ओके, रेन स्पेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस। याद रखना इस रिजल्ट को क्या है कि रेन स्पेस इज ऑलवेज ए सबस्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस। ओके, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए आपका क्या है आर, एंड द डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस आपकी कितनी है एम है, तो क्या रहेगी हमेशा ये लेस देन इक्वल टू एम। ओके, एंड ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन फॉर ईच बी बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर एम। इसने क्या कहा यहाँ पे देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन फॉर ईच बी बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर एम, दैट इज ए इज ऑन टू लिनियर मैप। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हर एक बी के लिए सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा दिस दैट इज ए इज ऑन टू लीनियर मैप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज ए सोल्यूशन फॉर ईच b belongs to r raised to the power m, that is a is on to linear map। okay, this implies अगर वो on to है तो जो rank है वो किसके equal होगा dimension of codomain space। ठीक है, by rank nullity theorem, by रैंक नलिटी थ्योरम क्या आएगा, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एंड ये रैंक ऑफ ए क्या है एम प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से क्या आ गया, एन क्या है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है m इज इक्वल टू r, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है क्योंकि ऑन टू मैप है। सेकंड ऑप्शन क्या है, द कॉलम स्पेस ऑफ a इज ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ r रेज टू द पावर m, सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द नल स्पेस ऑफ a इज ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ r रेज टू द पावर n। थर्ड ऑप्शन के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे चूज करूँ, इफ़ आई चूज ए मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1 0 0 1, एम मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ 2 और एन भी क्या ले लेती हूँ 2, तो यहाँ पे जो नलिटी होगी ए की क्या आएगी 0, नल स्पेस इज ए ट्रिवियल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, नल स्पेस इज ए ट्रिवियल स्पेस। ओके, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसने क्या कहा था कि नल स्पेस ऑफ ए इज ए नॉन ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ आर रेज टू द पावर एन, बट हमने एक ऐसी मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिस केस में क्या आ गया, नल स्पेस ट्रिवियल स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये जनरल ट्रू नहीं होता है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एन। यहाँ पे देखिए कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एन, ये कैसे ट्रू करोगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहाँ से क्या आ गया n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, और यहाँ पे क्या है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n इम्प्लाइज, अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो देखिए, इफ फोर्थ ऑप्शन है कि इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एन। इफ़ एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एक आपकी इक्वेशन ये हो गई और एक हमें ये पता है कि एन है जो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एन, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो क्या आएगा, एम इज इक्वल टू एन, देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड द अदर टू ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज
लेट एम इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद एंट्रीज ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन क्यू। यहाँ पे इसने क्या कहा, एक मैट्रिक्स है जिसकी जो एंट्रीज है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती है एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। देन एम इज एम्प्टी, सेकेंड वन इज एम इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विच एंट्रीज बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द थर्ड इज इफ ए बिलोंग्स टू एम देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड एंड द फोर्थ वन इज इफ ए बी बिलोंग्स टू एम आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट इन विच प्लस माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसने कहा कि एम है जो वो क्या होगा, एम पी टी। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए कंसिडर करूँ एक जीरो मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर करी जो कहाँ से बिलोंग करती है, एम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे जो ये ए बी सी डी जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी क्या होगी, जीरो बिलोंग्स इन क्यू, ओके, तो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो बिलोंग इन एम। तो यहाँ पे देखिए जो एम है क्या वो एम पी टी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसी जीरो मैट्रिक्स मिल गई जो कहाँ पे बिलोंग करती है, एम में। दिस इम्प्लाइज एम नॉट इक्वल टू एम पी टी सेट, ओके। देन फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड द सेकेंड इज एम इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर करूँ सेकेंड ऑप्शन के लिए, इफ ए इज इक्वल टू जीरो वन माइनस वन एंड जीरो, तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए है क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू जाएंगी क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो ए बी सी डी है, एम के अंदर किस टाइप की मैट्रिक्स होंगी, एम के अंदर किस टाइप की मैट्रिक्स होंगी, कि ए बी सी डी सच दैट ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड। बट यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये तो है ही कि जो ए बी सी डी है वो जेड में बिलोंग करनी चाहिए। अदर सेकंड कंडीशन है क्या है कि जो आइगन वैल्यू है ए की वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, क्यू में। बट यहाँ पे जो है आइगन वैल्यूज आपकी क्या आ गई, प्लस माइनस आयोटा विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है, जो इसने ये मैट्रिक्स बनाई है विच इज़ नॉट इक्वल टू एम, क्योंकि यहाँ पे इसने आइगन वैल्यूज़ की कंडीशन तो रखी ही नहीं, क्योंकि जो आपके पास एम सेट है वो किस टाइप का बना रखा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स इन क्यू। बट हमें यहाँ पे इस टाइप की मैट्रिक्स मिल गई कि जो एंट्रीज है ए बी सी डी वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, बट दी आइगन वैल्यूज डज नॉट बिलोंग्स इन क्यू। तो सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज इफ ए बिलोंग्स टू एम देन दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड। इसने कहा कि इफ ए बिलोंग्स टू एम देन दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड, ये सही होगा, है ना, ये चीज़ तो सही होगी। देखिए थर्ड ऑप्शन है कि इफ ए बिलोंग्स टू एम दिस इम्प्लाइज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर इन जेड, लेट ए बिलोंग्स टू एम बी एनी आर्बिट्रेरी पॉलीनोमियल, कैसे करोगे इसको, लेट ए बिलोंग्स टू एम बी एनी आर्बिट्रेरी पॉलीनोमियल देन द करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। आई नो दैट दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज रैशनल नंबर्स, एक मिनट क्या आएगा यहाँ से, आई नो दैट दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज रैशनल
नंबर्स, ठीक है, जिस टाइप से हमें डिफाइन किया गया है. बेसिकली दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ रिंग थ्योरी. ओके, ये रिंग थ्योरी का कंसेप्ट है. अगर कोई भी मोनिक पोलिनोमियल है और उसके पास रैशनल रूट्स हैं तो वो इंटीजर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए विच इज इक्वल टू सी. क्योंकि जो प्रोडक्ट होती है क्या होती है, जो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और यहाँ पे जो ये सी है ये क्या है, डिटर्मिनेंट, जो बी है ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए. तो यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा आई डिवाइड्स सी. सो अब यहाँ पे देखिए जो सी है वो क्या है, इंटीजर है. सो दिस लैम्डा आई इज इंटीजर. सो दिस लैम्डा आई इज इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो सी है क्या है, इंटीजर है. ओके, और जो लैम्डा आई वो किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा. तो जो लैम्डा आई है वो भी क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एम आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू प्लस माइनस वन. इसको कैसे करोगे, फोर्थ ऑप्शन को कैसे करोगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू एम एंड ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. ओके, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी वन. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी वन कब आएगा, ये या तो क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन हो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, माइनस वन हो, तभी इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, वन आएगी. ठीक है, अदरवाइज कभी भी ये वन नहीं आएगी. डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड दी डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी. और जो आइगन वैल्यूज है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्यू से. अब जो आइगन वैल्यूज आपकी होंगी जब उन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो वन कब आएगा, या तो क्या हो, ये दोनों के दोनों माइनस वन हो या फिर क्या हो, प्लस वन हो, तभी इनकी प्रोडक्ट आपकी वन आएगी. ठीक है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स प्लस वन और माइनस वन. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन से आपकी क्या पता चल गया था कि जो आइगन वैल्यूज़ है वो कहाँ से बिलोंग करेंगी, जेड से बिलोंग करेंगी. ठीक है, और अगर वो जेड से बिलोंग करेगी तो फोर्थ ऑप्शन में अपनी क्या हेल्प होगी कि वो क्या होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट आपका क्या आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू वन. तो वो इंटीजर्स क्या होंगे, या तो प्लस वन होना चाहिए या फिर माइनस वन, तभी आपकी वन आएगी. ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा, अदर टू ऑप्शंस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज ए इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल ओवर आर वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड द सेकंड वन इज इफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज देन इट इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर आर एंड द थर्ड वन इज इफ ए हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर सी एंड द फोर्थ वन इज इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट डायगोनलाइजेबल ओवर सी. कैसे करोगे इसको, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेती हूँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेती हूँ कि ए इज इक्वल टू किस टाइप की, 0 0 0 1 0
जीरो एंड जीरो जीरो जीरो, ठीक है। मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज एंड ए इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। मैंने यहाँ पे जो मैट्रिक्स कंसीडर की है क्या है, निलपोटेंट, सॉरी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ऑफ ऑर्डर टू। और यहाँ पे आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई कि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो कभी भी डायगनलाइजेबल नहीं होती, ओनली जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, ए इज नॉट डायगनलाइजेबल, ठीक है, बिकॉज ए इज नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स। और अनदर वे क्या है फाइंड आउट करने का, कि अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो हम बोल देंगे कि वो डायगनलाइजेबल है। तो यहाँ पे देखिए, जो अलजेब्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज इक्वल टू थ्री, एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी क्या होगी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस जीरो आइडेंटिटी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए क्या होगी, टू। तो यहाँ से क्या आ गया, अलजेब्रिक मल्टीप्लीसिटी नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, एंड द सेकेंड क्या है, इफ़ ए हैज़ डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यूज देन इट इज़ डायगनलाइजेबल ओवर आर। तो ये चीज़ सही होगी, आई नो दैट ए इज़ डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बेसिस कंसिस्टिंग आइगन वैक्टर। आपके पास जो रिजल्ट होता है, या फिर ये सिंपली भी होता है कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ है तो डायगनलाइजेबल हो जाएगा ओवर आर, ठीक है। अगर आप अदर रिजल्ट की बात करो तो एक अलग से रिजल्ट भी है। क्या है रिजल्ट, कि ए इज़ डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बेसिस कंसिस्टिंग आइगन वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ए आर थ्री टू आर थ्री की बात करो तो यहाँ से आपके पास तीन एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ए है वो क्या हो जाएगी, डायगनलाइजेबल। तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा, इफ़ ए हैज़ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज़ डायगनलाइजेबल ओवर सी, तो ये भी आपका ट्रू होगा, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो देन इट इज़ डायगनलाइजेबल ओवर सी। तो इफ़ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो, तो यहाँ पे देखिए मैं फोर्थ ऑप्शन के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या कहा, कि अगर इसकी आइगन वैल्यूज़ नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगी, डायगनलाइजेबल। मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ मैट्रिक्स ए वन जीरो जीरो वन वन जीरो 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 वन, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, वन। अलजेब्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू वन इज इक्वल टू थ्री, एंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू वन इज इक्वल टू नलिटी ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू टू, अलजेब्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू वन नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू वन, दिस इम्प्लाइज नॉट डायगनलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, सो ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अदर टू ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट वी बी द वेक्टर स्पेस, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर सी, हियर सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट थ्री। वी हमें जो वेक्टर स्पेस गिवन है उसमें क्या है, एट मोस्ट थ्री डिग्री की पॉलिनोमियल्स हैं। लेट डी यहाँ पे एक ऑपरेटर डिफाइन किया इसने, लीनियर ऑपरेटर वी टू वी, बी दी लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस फॉर वी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. फर्स्ट इज ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज ए इज डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स, एंड द थर्ड वन इज द रैंक ऑफ ए इज टू, एंड द फोर्थ वन इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस. ओके, तो कैसे करोगे इसको? मैं यहाँ से एक न्यू पेज कंसिडर कर लेती हूँ. देखिए कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? आपके पास एक डी ऑपरेटर है, पी थ्री टू पी थ्री. ओके, तो जो डी ऑफ पी ऑफ एक्स है क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स. वी चूज ए बेसिस ऑफ पी थ्री इज वन एक्स, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स थ्री. ओके, आई कैन फाइंड दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज डी, एंड डी ऑफ वन इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन इज जीरो. सो जीरो कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वन एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर एंड जीरो इंटू एक्स क्यूब. डी ऑफ एक्स इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, एंड दी वन कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वन एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, जीरो इंटू वन, सॉरी वन इंटू वन एंड द जीरो इंटू एक्स, प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर, प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब. एंड द डी ऑफ एक्स स्क्वेयर इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज टू एक्स, विच इज कैन बी रिटन एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एंड जीरो इंटू वन, जीरो इन टू इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर एंड द जीरो इंटू एक्स क्यूब. डी ऑफ एक्स थ्री इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स थ्री इज थ्री एक्स स्क्वेयर, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू एक्स, थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर, जीरो इंटू एक्स क्यूब. द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज, मैट्रिक्स इज फर्स्ट कॉलम इज जीरो 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 जीरो, एंड द सेकेंड कॉलम इज वन जीरो जीरो जीरो, थर्ड कॉलम इज जीरो टू जीरो जीरो, एंड द फोर्थ कॉलम इज जीरो जीरो थ्री जीरो, विच इज ए मैट्रिक्स ऑफ फोर क्रॉस फोर ऑर्डर. ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास जो ये मैट्रिक्स आई है, मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट बिकॉज ऑल आइगन वैल्यूज आर नीलपोटेंट. यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स है, क्या नीलपोटेंट है? यस, मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट. फर्स्ट ऑप्शन क्या था? मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट. सभी आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या है? जीरो. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? ट्रू. सेकंड ऑप्शन इज ए इज डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स. सेकेंड ऑप्शन डायगनलाइजेबल. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो क्या है यहाँ पे? फोर. एंड दी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो इज इक्वल टू वन. दिस इम्प्लाइज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू जीरो. This implies matrix is not diagonalizable. Okay, matrix is not diagonalizable. This implies second option incorrect. And the third is the rank of A is 2. The rank of A is 2. Rank यहाँ पे क्या है? 3. रैंक यहाँ पे कितना है? थ्री. तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले मैं यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करती हूँ कि मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या है.
पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, क्या क्या हो सकती है मिनिमल पॉलिनोमियल? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स फोर. ओके, इफ अगर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स, दिस इंप्लाइज एनिलेट विद ए, देन ए इज इक्वल टू ए मीन्स जीरो मैट्रिक्स, बट ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स. तो यहाँ से ये तो कभी भी नहीं होगी, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल. इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स स्क्वायर, अगर ये हुई तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? एनिलेट विद ए मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बट ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो. बट आप करके देख लेना, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू नहीं है. ओके, एंड द थर्ड इज इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स क्यूब, तो यहाँ से ये भी आपकी जीरो के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है. तो यहाँ से ये भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी. एंड द फोर्थ इज ए फोर इज इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है मिनिमल पॉलिनोमियल की आपके पास. मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगी, यहाँ से क्या होगी मिनिमल पॉलिनोमियल? एक्स रेज टू द पावर फोर. ओके, और आपको पता है कि जितनी मिनिमल की पावर होती है, ठीक है, उतने ही ऑर्डर का कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक तो पक्का मिलता है. तो यहाँ पे देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो कितनी है? फोर, ठीक है. तो उतने ही ऑर्डर का एक जॉर्डन ब्लॉक तो पक्का मिलेगा, यानी कि फोर ऑर्डर का, और आपके पास सिर्फ फोर क्रॉस फोर की है. तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसके पास सिर्फ एक जॉर्डन ब्लॉक होगा और वो भी फोर ऑर्डर का. तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी? यहाँ पे देखिए आपके पास जीरो जीरो आइगन वैल्यूज़ हैं, तो फोर ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक होने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए कि वन वन एंड वन, ठीक है. तो ये आपके पास क्या हो गया? एक जॉर्डन ब्लॉक हो गया ऑर्डर फोर का, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? यही है, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू होगा. फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, अदर टू ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट आपके पास क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन इज फोर एवरी फोर क्रॉस फोर रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट पी आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, सेकेंड इज ए रेज टू द पावर इज पॉजिटिव डेफिनेट, एंड द थर्ड वन इज ए रेज टू द पावर माइनस पी इज पॉजिटिव डेफिनेट, एंड द थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल ऑफ पी ए माइनस आइडेंटिटी इज पॉजिटिव डेफिनेट. कैसे करोगे इसको? ये आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है. और ए क्या है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए इज रियल, ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, एंड सेकंड हमें क्या गिवन है? कि नॉन सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है. और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होने का मतलब क्या है? कि इसकी एक भी आइगन वैल्यू आपकी जीरो नहीं होगी, ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? कि पी आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट. पी आई प्लस पी ए सॉरी पी आई प्लस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट. तो कैसे करोगे इसको? कैसे करोगे? सबसे पहले तो पॉजिटिव डेफिनेट की जो डेफिनेशन होती है, क्या होती है? कि क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स, ठीक है. तो ये आपकी डेफिनेशन है पॉजिटिव डेफिनेट की. अगर मैं अनदर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या होगी? अनदर डेफिनेशन क्या है? कि इफ ए इज रियल सिमेट्रिक
देन ए इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ईच आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज पॉजिटिव ईच आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज पॉजिटिव. ठीक है, हमें क्या गिवन है? गिवन दैट ए इज रियल सिमेट्रिक. ठीक है, ए इज रियल सिमेट्रिक एंड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी? रियल सिमेट्रिक. तो यहाँ पे जो पी आई प्लस ए है, पी आई ये तो क्या हो गई? स्केलर. तो यहाँ से पी आई प्लस ए ये भी क्या हो गई? रियल सिमेट्रिक. ठीक है, दिस इम्प्लाइज पी आई प्लस ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, देन दी आइगन वैल्यूज ऑफ पी आई प्लस ए, आइगन वैल्यूज ऑफ पी आई प्लस ए क्या होगी? P प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ A. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो फॉर ए रियल नंबर्स ऑलवेज फाइंड ए नेचुरल नंबर सच दैट. कैसे करोगे? इधर देखिए कि जब आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करोगे कि फॉर ए रियल नंबर ऑलवेज फाइंड ए नेचुरल नंबर सच दैट P प्लस लैम्डा A ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल लैम्डा A for some P belongs to set of positive integers and P greater than lambda A. okay, ठीक है, तो first option आपका true होगा and the second option is A raised to the power is positive definite. इसको कैसे करोगे आप? सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए रेज टू द पावर इज पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, तो जो आइगन वैल्यू जो है अपनी एक ही, उसके कोरोस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा एक्स नॉन जीरो. ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. तो अगर एक्स ए का आइगन वेक्टर है, ए स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इन टू ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर एक्स. तो लैम्डा स्क्वेयर आइगन वैल्यू जो ए स्क्वेयर. तो यहाँ पे जब जब मैं पी की वैल्यू इवन ऑर्डर में चूज करूँगी, चूज पी इज इक्वल टू टू फोर सिक्स. ठीक है, तो उस केस में ये क्या रहेगा? पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू होगा एंड द थर्ड ऑप्शन इज ए रेज टू द पावर माइनस पी इज पॉजिटिव डेफिनेट. ऑप्शन सी के लिए सपोज ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए इनवर्स एक्स. दिस इम्प्लाइज वन बाय लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, वन बाय लैम्डा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू वन बाय लैम्डा इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्क्वेयर एक्स. इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो सिमेट्रिक एंड नेचुरल पावर ऑफ सिमेट्रिक अगेन सिमेट्रिक. तो यहाँ पे भी फोर इज इवन पी टू फोर सिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट. ओके, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा एंड दी फोर्थ ऑप्शन इज एक्सपोनेंशियल ऑफ पी ए माइनस आइडेंटिटी इज पॉजिटिव डेफिनेट. फोर्थ ऑप्शन कैसे करोगे? फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फोर्थ इज एक्सपोनेंशियल पी ए माइनस आइडेंटिटी. ओके, सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड द आइगन वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर ए इज ई रेज टू द पावर लैम्डा
एंड ई रेज टू द पावर ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए जे अपॉन जे फैक्टोरियल, ठीक है। एंड द कोरस्पोंडिंग ऑफ आइगन वैल्यू, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वैक्टर ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स एंड ई रेज टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू समेशन जे जीरो टू इन्फिनिटी ए रेज टू द पावर जे अपॉन जे फैक्टोरियल इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैमडा एक्स, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वेयर बाय टू फैक्टोरियल प्लस इंटू एक्स एंड विच इज इक्वल टू आई एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर एक्स बाय टू फैक्टोरियल प्लस प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वेयर एक्स बाय टू एंड विच इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर लैम्डा एक्स, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैम्डा है देन द आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए इज पी लैम्डा, ओके। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ई रेज टू द पावर पी ए इज द ई रेज टू द पावर पी लैम्डा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ ए, सॉरी, यहाँ से क्या आएगा, आइगन वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल पी ए माइनस आइडेंटिटी इज ई रेज टू द पावर पी ए माइनस वन, ओके। दिस मैट्रिक्स ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है, एंड दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ईच आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव। ये आपको पता है कि क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। एंड रिजल्ट आपके पास क्या है, रिजल्ट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ईच आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर पी लैम्डा माइनस वन कि जब ये ग्रेटर देन जीरो हो, और ये जब मैं दोनों साइड लॉग अप्लाई करूँगी तो लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर पी लैम्डा माइनस वन एंड ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या आएगा, पी लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पी है ये क्या है, पॉजिटिव है, बट जो आइगन वैल्यू जो ये लैम्डा है अगर ये नेगेटिव हो गई तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये कुछ लैम्डा के लिए सेटिस्फाई होगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा, बट फोर इच आइगन वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, जब भी आपकी आइगन वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव गई तभी के तभी ये लेस देन जीरो होगा, ठीक है, और यानी कि आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ रैंक m विद n ग्रेटर देन m इफ फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा वी हैव x ट्रांसपोज a ट्रांसपोज x इज इक्वल टू अल्फा x ट्रांसपोज x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रेज टू द पावर m देन a ट्रांसपोज a हैज फर्स्ट इज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड द सेकंड वन इज जीरो एज n आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी n माइनस m एंड द थर्ड वन इज अल्फा एज एन नॉन जीरो आइगन वैल्यू एंड द फोर्थ वन इज एग्जैक्टली टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। तो देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, आपके पास जो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की ट्रांसपोज़
ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी आर रेज टू द पावर एन टू आर रेज टू द पावर एम एंड द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन स्पेस सो ए इज ऑन टू. ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ए क्या है, ऑन टू. और आपको क्या गिवन है, एन ग्रेटर देन एम. ठीक है, तो फॉर सम अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो एक्स ट्रांसपोज ए ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स ट्रांसपोज एक्स. ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रेज टू द पावर एम. ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलेशन पता है करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको अच्छे से पता है. ठीक है, हमें यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करना है, ए ट्रांसपोज ए के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो रिलेशन था क्या था, कि अगर आपके पास मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन एंड बी आपके पास एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम, तो जो रिलेशन होगा एक्स रेज टू द पावर एन करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए इंटू एक्स. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इधर देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ से क्या आएगा आपके पास एक्स ट्रांसपोज आप कॉमन ले लीजिए तो ए ए ट्रांसपोज माइनस एल्फा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्लेम करना है, क्लेम ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. क्लेम ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. यहाँ पे जो अल्फा है क्या है, रियल है. ए ए ट्रांसपोज ए आपके पास रियल मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज भी आपके पास रियल है. ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप, ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई रेज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई ट्रांसपोज. तो यहाँ से क्या आएगा, ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई बिकॉज ए ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब कैसे करोगे. आई नो दैट एवरी मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल. आपको पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमेशा क्या होती है, डायगनलाइजेबल. एंड एवरी नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगनलाइजेबल. आपके पास दो रिजल्ट है, तो देखिए क्या क्या है. फर्स्ट रिजल्ट इज एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल एंड द सेकेंड रिजल्ट इज एवरी नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगनलाइजेबल. अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करूं तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा कंबाइन करने के बाद, देखिए इफ ए इज रियल सिमेट्रिक, इफ ए इज रियल सिमेट्रिक प्लस नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इफ ए इज रियल सिमेट्रिक एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स दिस इंप्लाइज ए क्या होगी आपके पास, जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, ये रिजल्ट अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देती हूँ तो आपके पास ये बनेगा कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स. नाउ वी प्रूव दैट ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये हमें प्रूफ करना. ठीक है, ये हमें पता है कि ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें प्रूफ क्या करना है कि नीलपोटेंट पी है. ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे, अगर ए नीलपोटेंट है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जीरो. ए इज नीलपोटेंट मींस अगर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है इफ एंड ओनली इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज जीरो,
आइगन वैल्यूज। सपोज कैसे करोगे, देखिए सपोज बी इज इक्वल टू ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आइडेंटिटी, लेट बी, हम कंसीडर कर लेते हैं कि बी के पास कोई नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, ओके, बी हैज एनी नॉन जीरो इसके वो कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे, बी हैज एनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू दैट इज देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वैक्टर सच दैट बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज एक्स ट्रांसपोज बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज लैम्डा एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से ये क्या आएगा, लैम्डा एक्स ट्रांसपोज एक्स, यहाँ से क्या आ गया, इज इक्वल टू जीरो, बट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड द एक्स ट्रांसपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो क्वांटिटी इज ऑलवेज नॉन जीरो, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपका जीरो के इक्वल आए, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि ये जीरो के इक्वल आए, तो ये कंट्राडिक्शन हो गई यहाँ पे कि इसके पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई इज निलपोटेंट, ठीक है, यहाँ से ये कंट्राडिक्शन आई है आपकी। अब यहाँ पे देखिए दिस इम्प्लाइज ए ए ट्रांसपोज माइनस अल्फा आई इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा आई, यानी कि ए ए ट्रांसपोज क्या आ गई आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ से आपके पास ये क्या आ गई, स्केलर मैट्रिक्स, ओके, तो अब जब हम रिजल्ट अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास क्या था, रिलेशंस बिटवीन करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए, उसके अकॉर्डिंग जब हम इस को उस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर ए करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए जो एन है वो क्या है, ग्रेटर देन एम है, दिस इम्प्लाइज एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एम करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ए ट्रांसपोज क्या होगी, ए ए ट्रांसपोज क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, कैसे करोगे, देखिए वी नो दैट ए ए ट्रांसपोज इज स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स है, दिस इम्प्लाइज करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर एम, दिस इम्प्लाइज करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एम इंटू एक्स माइनस अल्फा रेज टू द पावर एम, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो सही है ये, आइगन वैल्यू जिसके पास क्या क्या होंगी, या तो जीरो होगी या फिर अल्फा होगी, ठीक है, तो सेकंड इज टू एज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी एन माइनस एम, ये भी सही है, थर्ड ऑप्शन इज अल्फा एज एन नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये भी सही है, एग्जैक्टली टू नॉन जीरो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज,
नॉन जीरो डिस्टिंक्ट, नॉन जीरो तो सिर्फ एक ही है अल्फा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और लाइक भी कर देना, ठीक है। ये मेरी प्लेलिस्ट है तो यहाँ पे जाकर के आप सभी वीडियोस चेक कर सकते हैं। पीडी टेक मैथ के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट देते रहते हैं। अब तक आपका 2023 का कंप्लीट हो चुका है, 2022 भी कंप्लीट हो चुका है, 2020 आपका कंप्लीट हो चुका है, 2019 कंप्लीट हो चुका है एंड 2018 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी दिसंबर 2017 आपका हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2017 के क्वेश्चंस करेंगे। जब अपना लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा तो हम रियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपका एमपी का, ठीक है, अपना हरियाणा का और यूपी का प्लस राजस्थान, ठीक है। आपका राजस्थान, यूपी एंड एमपी ये तीनों के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, हरियाणा का भी निकला नहीं है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि आप इनकी भी तैयारी कर सकोगे अच्छे से, ठीक है।